हुआ है इस्लामाबाद 322 किलोमीटर, लाहौर है 24 किलोमीटर। ये भाई टूरिस्ट की लाइन लगी हुई है, जिनके पास परमिशन है वो ही अंदर एंटर हो सकते हैं। और वाघा बॉर्डर जाने के लिए बिल्कुल आपको सामने जाना पड़ेगा। तो भाई आपको वाघा बॉर्डर की पूरी जो है वो परेड दिखाएंगे, फिलहाल आप भीड़ देखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गाइस ब्लड टेस्ट हो चुके हैं, एक्सरे हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, सीटी स्कैन हो चुका है, और अभी भाई जो टर्न है वो भी हार्ट की इको होगी। आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर, और मेरे साथ है अपना भाई मिस्टर रिंकू। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया कि आपके भाई को हेल्थ इशू हुआ पड़ा है, ये ब्लड जो ग्लूकोज होती है वो हो रही है कम, और उसके साथ ही लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। आज हमने प्लान बनाया कि आज सारे बॉडी टेस्ट होंगे अमृतसर एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके। तो बस अभी जा रहे हैं, अभी सुबह के हो चुके हैं 8:30, अभी नाश्ता वाश्ता नहीं किया है क्योंकि टेस्ट वेस्ट होने हैं, और कई बार ऐसा होता है कि खाली पे टेस्ट होते हैं ना। सो अभी जितनी कार मैं चला सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कार चलाने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो अभी जितनी मैं चला सकता हूँ, जितना ड्राइव कर सकता हूँ मैं करूँगा, बाद में रिंकू भाई चलाएगा। तो मिलते हैं जी आपको अमृतसर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में जाके, है ना। दोबारा से वही प्रॉब्लम, चक्कर वक्कर जो है वो आने शुरू हो गए थे, और अभी रिंकू भाई ड्राइव कर रहा है। तो बस जहाँ से रह चुका 15 किलोमीटर रह चुका है एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, चलते हैं वहाँ पे और कराते हैं जी ट्रीटमेंट अगर हो जाए। आप सब भी भाई कमेंट्स में भाई दुआ करना कि भाई के जो चक्कर चुक्कर है ठीक हो जाए, शुगर लेवल अप हो जाए, सो दैट के आगे भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आए, ठीक है। आउट पेशेंट रिकॉर्ड फोर्टिस हॉस्पिटल, और जे आपके भाई का नाम, ठीक है, और जे अपना नंबर यूआईडी नंबर। डॉक्टर राजीव मेहरा थे एस्कॉर्ट में, और सारा कुछ हुआ भी, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हुआ उन्होंने किया, और मेरा ब्लड प्रेशर था भाई 130 और 100 भाई बड़ा हुआ है, इसीलिए चक्कर वगैरह आ रहे हैं, और टेम्परेचर नॉर्मल था, और वेट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सारा उन्होंने पिछला रिकॉर्ड मुझे, जो भी मेरा हेल्थ स्टेटस है सारा मेरा उन्होंने पूछा, क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, ठीक है। और उसके बाद भाई इतनी लंबी लिस्ट देखिए, और गाइस इन सबका टोटल बना है भाई 20,000 के आसपास। और बाहर जो है वो बारिश हो रही है, चालू है बारिश, अभी टेस्ट वेस्ट करवाते हैं और बाद में देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। भगवान से दुआ करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना निकले, जस्ट एक इंसिडेंट हो छोटा सा, ठीक है, जो भी हुआ था उस दिन जिम में। तो चलिए मिलते हैं, मेरे साथ बने रहे। बारिश चल रही है और दोनों भाई आए थे बाहर एटीएम से पैसे निकालने के लिए, लेकिन एटीएम जवाब दे गया। तो आ रहे हैं हमारे अर्जुन जी, पैसे लेके आ रहे हैं भाई, वो आएँगे तो टेस्ट होंगे। तो देखिएगा इस फाइनली बारिश में भीग के अर्जुन जी आ चुके हैं, और हमारे टेस्ट जो है वो शुरू हो चुके हैं। ब्लड सैंपल्स देके आए हैं, और अभी सामने एक्सरे रूम है। ब्लड सैंपल्स के बाद होगा एक्सरे, उसके बाद होगी एमआरआई, उसके बाद फिर एक एमआरआई होगी। तो गाइस ब्लड टेस्ट हो चुके हैं, एक्सरे हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, सीटी स्कैन हो चुका है, और अभी भाई जो टर्न है वो भी हार्ट की इको होगी। तो हार्ट आपको पता बड़ा ही नाजुक होता है, तो उसके लिए नाजुक कपड़े पहनने चाहिए। तो अर्जुन जी हमारे भाई साहब आए हुए हैं और देखिए हेल्प कर रहे हैं भाई की, तो अभी इको होगी। तो भाई बड़े रहे मेरे साथ, अभी पता नहीं क्या क्या होगा आगे। हाँ भाई क्या हाल है भाई, टेस्ट आ चुके हैं सारे, और अभी देखो क्या बनता है भाई, है ना। टेस्ट वेस्ट हो चुके हैं सारे, और कम से कम 20,000 के हुए हैं आप सबके सामने, है ना। जो मेडिसिन है, जो प्रॉब्लम निकली है, उसकी मेडिसिन जो है वो भी हमने परचेज कर ली है। तो अभी हम आ चुके हैं जी पार्किंग में, और बारिश अभी भी चालू है, ठीक है। तो अभी भाई सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी भाई हो रही है पेट पूजा, सैंडविच और चाय। मेडिसिन की एक डोज ले चुका हूं, और अभी काफ़ी जो है वो रिलीफ फील हो रहा है। रिंकू भाई अभी भी चला रहे हैं कार, और डॉक्टर साहब ने स्पेशली बोला है कि अब कार और बाइक जो है वो आपने सीधा जाना भाई, सीधा वो आपने नहीं चलानी है ना। सो दैट्स वाई मैं नहीं चला रहा हूं भाई। तो अभी अमृतसर में निकले हैं, अमृतसर के अंदर एंटर होने लगे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको अमृतसर में। मौसम आज बहुत बढ़िया है। तो जे पुलिस वाला देखो अपने जीजे का पीछा करता करता कहाँ आ चुका है, इधर आ, गल तो सुन। ओके
ओके बड़ी मुश्किल से मनाया जी अपने पुलिस वाले भाई को, तुझे मार नहीं रहा था। चल ठीक है, ओके ओके। पूरे बड़े साइज का था और एक अभी और आ रहा है। दलो भाई आ गया जी एक और कुलचा मक्खन की टिक्की के साथ, और साथ में चने और साथ में जी प्याज। भाई वाह नजारे। पेट पूजा हो चुकी है, आपको पता ही है पेट पूजा हमें काम नहीं दूजा। और अभी आपको बता ही देते हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी अमृतसर से हम भाई निकले थे बाघा बॉर्डर की, और अभी आप मेरे पीछे देखिए भाई, सामने ऊपर लिखा हुआ है इस्लामाबाद 322 किलोमीटर, लाहौर है 24 किलोमीटर, जहाँ से लाहौर जो है वो 24 किलोमीटर है, और इंडिया पाक बॉर्डर जो है वो रह चुका है 2 किलोमीटर। ठीक सामने जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है, और अभी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। चलिए ले लो पर्ची पही। चलो भाई जहाँ पे आने से पहले ही बन रहा है जी फ्लैग इन कलर्स के साथ, इंडिया का झंडा, इंडिया का झंडा। मुंह मत ना लाई यार। नहीं यार पूरा कराओ। हां पूरा कर दे। पार्किंग चेक पोस्ट में आपका स्वागत है। तो भाई देखिए ऐसा सीन है भाई, इंडो पाक बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे हजारों लोग आ रखे हैं टूरिस्ट अमृतसर में। भाई इस भीड़ में भाई साहब मिले हैं, और वो बोल रहे थे कि अभी इसको प्रॉपर बंद नहीं किया गया है, जे अभी खुला हुआ है, लेकिन इसकी जो परमिशन है पीछे खासा एरिया आता है, वहां से परमिशन लेके फिर आ गया नंबर गेट। हां खासा 3 नंबर गेट तो परमिशन मिलती है। ओके परमिशन लेकर आ सकते हो, फिर गाड़ी तुम्हारी आगे चल जाती है। लग गया जो पता भाई, टूरिस्ट की लाइन लगी हुई है, जिनके पास परमिशन है वो ही अंदर एंटर हो सकते हैं। और वाघा बॉर्डर जाने के लिए बिल्कुल आपको सामने जाना पड़ेगा जहाँ से 1.5 किलोमीटर, वहाँ पे होती है भाई परेड, जो मेन परेड होती है ना वाघा बॉर्डर की, जो फेमस है। तो अभी क्या सीन है, आए थे जी हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए, और चेकअप कराते कराते बस आगे निकल आए हैं वाघा बॉर्डर की, और हम हैं भी लोकल, तो जब भी कभी हमारे पास परमिशन होगी तो भाई आपको वाघा बॉर्डर की पूरी जो है वो परेड दिखाएंगे। फिलहाल आप भीड़ देखिए। क्या हुआ अगर रिंकू को बॉर्डर नहीं देखने दिया। हाय हाय क्या बात है। तो पब्लिक के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते, एक बार कहते क्या है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इस भाई से हमने लिए हैं 3 फ्लैग, एक वॉच ली है भाई, बताओ ये देखिए कार में लगाने के लिए, और एक लिया जी कैप मॉक के लिए। तो भाई मेहनत कर रहा है, और मेहनत से बिल्कुल जो मेहनत है वो करनी चाहिए, ठीक है ना। चल ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ जी तो गाइस चलिए इसका शुभारंभ भी जो है वो आज के दिन ही कर देते हैं। इसको खोलते हैं भाई, कहाँ से खोलेगा। के नीचे से ये जो टेप है ये निकालनी पड़ेगी भाई, और इसको भाई निकाला। इसमें एक वॉच है जो कि बिल्कुल सही टाइम बता रही है, और 2 फ्लैग हैं, काफी अच्छा लगेगा अपनी गाड़ी पे। तो लीजिए भाई जी, हमने भाई इसके सेंटर में, इसका सेंटर भाई काम पे आता है, सीधा वो ओके है। ओके ओके लीजिए भाई, ये हमने भाई कर दिया फिक्स अपनी गाड़ी में, और अपनी जो गाड़ी है उसके डैशबोर्ड के भाई लग गए हैं 4 चांद, ठीक है। इंडिया का फ्लैग है भाई, क्यों नहीं सही लगेगा। सो सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो भाई ये हैं वो सारे टूरिस्ट जो अमृतसर आए हुए हैं, और अभी इस जगह पे हैं टौरी बॉर्डर पे, सो दैट के वो वाघा बॉर्डर देख सकें, वाघा बॉर्डर में होने वाली परेड देख सकें, लेकिन पास ना होने की वजह से
वो परेड नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके पास है उनको भाई एंट्रेंस मिल रही है। तो वीडियो आपको आज की कैसी लगी? वीडियो जस्ट नॉर्मल थी, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था भाई, और अभी सारे टेस्ट वेस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर साहब को दिखा दिया है, मेडिसिन चल रही है। तो अभी मिलते हैं जी अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। आपका पंजाबी मॉडल ब्लॉगर आपके लिए हर बार जो है वो बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।